सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 18th एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का सादर अभिनंदन। मित्रों, एक फकीर रात के समय में किसी गांव से जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसके हाथ में लालटेन था। उसी के प्रकाश में अब वह चलने लग पड़ता है। उसके पीछे पीछे गांव का एक व्यक्ति भी चलने लग पड़ता है। संभवतः उसको भी कहीं जाना था। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और जंगल के रास्ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन मित्रों, जंगल के बीच में पहुंचने के बाद दोनों का रास्ता अलग अलग होना था। फकीर को दूसरे गांव की ओर जाना था और जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ चल रहा था उसे किसी दूसरे गांव की ओर जाना था। दोनों का रास्ता तब तक तो एक ही था, लेकिन जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं अब रास्ता बट जाता है। दोनों अलग अलग दिशाओं की ओर चलने लग पड़ते हैं। जैसे ही फकीर अपनी राह की ओर बढ़ता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ देता है, वैसे ही दूसरा व्यक्ति एकदम चौंक जाता है। उसको रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उसे लगता है कि इस घोर अंधेरी रात में मैं कैसे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकूंगा। उसे पहले आभास ही नहीं था कि जो रोशनी थी
वह तो फकीर के हाथ में जो लालटेन थी उससे निकलती हुई रोशनी थी। लालटेन तो फकीर की थी, लालटेन उसकी न थी, यह होश उसे था ही नहीं। अब वह सोचने लगता है, करूं तो क्या करूं, आगे बढ़ूं तो रास्ता दिखाई नहीं देता। तो वह वहीं पर अपने माथे पर हाथ लगाए हुए बैठ जाता है। मित्रों, उस ग्रामीण की तरह, उस व्यक्ति की तरह अधिकांश लोगों की जिंदगी भी बीच राह में पहुंचने के बाद रुक जाती है, ठहर जाती है। अब व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु के सहारे चल रहा होता है। लेकिन याद रखिए मित्रों, गुरु भी इस नाशवान देह में ही रहता है, और यह देह कब छूट जाए फिर निश्चित नहीं होता। जैसे ही देह छूट जाता है वैसे ही अब गुरु का साथ नहीं मिल पाता। अब व्यक्ति को वह रोशनी नहीं मिल पाती, व्यक्ति को प्रकाश नहीं मिल पाता, उसे मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। मित्रों, अधिकांश लोग किसी सच्चे गुरु के पास में पहुंच भी जाते हैं तब भी धोखे में रहते हैं। उनको लगता है कि गुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया, गुरु जो मिल गए सब कुछ मिल गया, बस वो गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और जिस चीज की प्राप्ति के लिए गुरु की खोज की थी, जिस उद्देश्य से गुरु के पास पहुंच गया था, व्यक्ति वह उद्देश्य भूल जाता है और फिर बस अन्य अन्य चीजों में उलझ जाता है। तब तक तो उसका जीवन ठीक चलता है जब तक गुरु रहता है, लेकिन मित्रों जैसे ही गुरु इधर से उधर हो जाए या गुरु का देह छूट जाए या कुछ भी स्थिति प्रतिकूल हो, गुरु से दूर रहना पड़े, तो उस अवस्था में व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ की स्थिति में पहुंच जाता है। उसकी वही स्थिति होती है जैसी स्थिति उस व्यक्ति के हाथ में लालटेन न होने की वजह से हुई थी। रोशनी अपने हाथ में न होने से हुई थी, अपने अधिकार में रोशनी न होने से उसकी जो स्थिति हुई थी वही स्थिति हर एक व्यक्ति की होती है। कोई बुरी बात नहीं व्यक्ति किसी संप्रदाय का आलंबन ले, कोई बुरी बात नहीं व्यक्ति किसी गुरु का आलंबन ले, कोई बुरी बात नहीं व्यक्ति किसी का साथ ले, किसी को सहचर सहचरी बनाए। लेकिन मित्रों, उसे उसी समय इस बात को भी जान लेना होता है कि ये तो कुछ ही देर के लिए है, कुछ समय के लिए है। व्यक्ति को यह समझना होगा। अगर वह यह समझ नहीं पाता तो फिर वह पुनः क्लेश की ओर चला जाता है, पुनः गर्त की ओर चला जाता है। समय हाथ से निकलने के बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह पाता। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं कह रहा हूं गुरु की प्राप्ति होना अपने आप में बड़ा दुर्लभ होता है। सदगुरु मिल जाए, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, कोई जीवन मुक्त मिल जाए, यह दुर्लभ घटना होती है। यह एक बहुत बड़ा संयोग होता है, बहुत
बड़े भाग्यवान को ही, बड़े भाग्यशाली को ही कोई ज्ञानी पुरुष रास्ते में टकराते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष उसके जीवन में आ जाते हैं, उस ज्ञानी के साथ उसका सहयोग बन पाता है। लेकिन मित्रों, परम सौभाग्यशाली है वो लोग जो गुरु मिलने के बाद गुरु से गुरु तत्व को जान लेते हैं, जिन धर्मों को अपनाकर, जिन धर्मों को धारण करके गुरु में गुरुत्व जगा है, वो लोग भी उन तत्वों को धारण करने लगते हैं, वो लोग भी साधना के पथ पर चलने लग पड़ते हैं, गुरु से पूछने लगते हैं कि गुरुदेव आपकी साधना की क्या राह रही, कैसे आपके अंदर गुरुत्व अवतरित हुआ, कैसे आपके अंदर ज्ञान जागृत हुआ, कैसे आपके अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य क्षीणता को प्राप्त हुए। शिष्य को यह पूछना होता है और जो ये जानने की जिज्ञासा प्रारंभ में उठा देता है और गुरु के कहे अनुसार रास्ता तय करने लगता है, उस राह पर चलने लग पड़ता है, वो लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं। याद रखिए मित्रों, गुरु को देखकर, गुरु की शक्ति को जानकर गुरु के पूजक नहीं बनना है। पुनः सुन लीजिए इस बात को, गुरु की शक्ति को देखकर, गुरु के सामर्थ्य को जानकर, गुरु के अंदर विविध शक्तियों को देखकर उसके शक्तियों के पुजारी बन जाना, यह सबसे बड़ी भूल होती है। व्यक्ति को गुरु के अंदर की सिद्धियों को देखकर, गुरु के अंदर की गुरुता को देखकर यह जान लेने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे गुरु के अंदर वो गुरुता उत्पन्न हुई और फिर स्वयं को भी उसी राह पर ले चलना होता है। अक्सर मैं सभी से एक ही बात कहता हूं, आप जिस भी गुरु के सानिध्य में पहुंच जाते हो, जिस भी महापुरुष से टकराते हो, जिस भी संप्रदाय में आप हो या पहुंच जाओगे, आपको बस दो ही प्रश्न का उत्तर जानना है। एक, क्या मानना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या मानकर चलना चाहिए और क्या करते हुए जो माना था उसे अपने अनुभूति के तल पर उतर देना चाहिए। बस ये दो चीज जाननी है, क्या है सिद्धांत और क्या है साधना पद्धति, बस ये दो चीज गुरु से सीखने में कभी भी विलंब नहीं करना होगा। यदि हम इन दो चीजों को सीखे बगैर फिर अन्य अन्य चीजों में, अन्य अन्य कार्यों में हम लग जाते हैं तो बहुत बड़ी भूल होती है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, कोई गुरु मिल भी जाता है तो वो लोग उन चीजों में फंस जाते हैं, गुरु कैसा वेशभूषा धारण करता है, कैसे खाता पीता है, कैसे बातचीत करता है, बस इन्हीं चीजों को जानने में लगे रहते हैं और वो सोचते हैं कि इन चीजों को हम अपना लेंगे तो फिर हमारे अंदर भी वह गुरु तत्व, हमारे अंदर भी वह गुरुता, हमारे अंदर भी वह श्रेष्ठता जग जाएंगे। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं हो पाता। श्रेष्ठता तभी जग पाती है, गुरुता तभी उद्भूत होती है जब हम गुरु के द्वारा अपनाए गए पथ को हम भी फॉलो करने लगेंगे, उसी पथ के जब हम पथिक बनेंगे तभी हमें भी उस प्रकाश की प्राप्ति होगी, जिसके प्राप्ति के बाद फिर हम सीधा ईश्वर से जुड़ जाएंगे, जिसके प्राप्ति के बाद हम नित्य तत्व के साथ जुड़ जाएंगे, उसके प्राप्ति के बाद हम अनात्म तत्वों से, अनित्य पदार्थों से आसक्ति नहीं करेंगे, अन्यथा
बस कुछ समय के लिए हम बेहोश अवस्था में पड़ेंगे, मानो कोई शराबी कुछ समय के लिए बेहोश हो रहा हो। ऐसे ही हमारी स्थिति बन जाती है। जब तक गुरु सानिध्य, गुरु के सानिध्य मिलता रहता है, गुरु साथ में रहता है, तब तक हमें लगता है कि हाँ सब कुछ मिल गया, सब कुछ है हमारे पास में। लेकिन मित्रों, जैसे ही गुरु रास्ते के एक अलग छोर की ओर बढ़ जाता है, वह अपनी सीढ़ी के ऊपरी पड़ाव पर, ऊपरी मंजिल पर जैसे गुरु चढ़ जाता है, वैसे ही हम पहले भी अंधेरे में थे, फिर अंधेरे में ही पहुंच जाएंगे। इसलिए आप हम सभी को समय रहते हुए साधना के पथ पर चलने के लिए प्रारंभ कर देना होगा। और मित्रों, ऋषियों ने ईश्वर को परम गुरु कहा है। योग दर्शन के अंतर्गत भी महर्षि पतंजलि समाधिपाद के 26वें सूत्र में कहते हैं, स एष पूर्वेषाम अपि गुरुः कालेन न मच्छेत, अर्थात काल के द्वारा नष्ट न होने से वह ईश्वर पूर्व काल में हुए जितने भी ऋषि हुए, गुरु हुए, उनका भी गुरु है, अर्थात वह धर्म और ज्ञान का उपदेष्टा है। चूंकि ईश्वर संपूर्ण सत्य विद्याओं का मूल है, उसे से ज्ञान का प्रवाह निकलता है। बाहर से उसने वेद रूपी ज्ञान दिया, श्रुति काव्य के रूप में, दृश्य काव्य के रूप में उसने सृष्टि को दिया, और अंतर्यामी होता हुआ वह हमारे अंतःकरण में अंदर से भी निरंतर प्रेरणा के रूप में ज्ञान देता रहता है। कोई भी कर्म जब हम करने लगते हैं, अगर गलत कर्म होता है तो हमारे अंदर लज्जा, भय, शंका उत्पन्न कर देता है, और अच्छा कर्म होता है, करणीय कर्म होता है, तो हमारे अंदर उत्साह, साहस, धैर्य, प्रेम जैसे तत्व को उत्पन्न कर देता है। इसलिए ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु कहा है। वस्तुतः जो ज्ञान देता है उसे ही गुरु कहते हैं। जिन गुरुओं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अथवा जिन ऋषियों के ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनके गुरुओं की परंपरा में भी ईश्वर सबसे पूर्व आता है, क्योंकि वह नित्य है, वह सदा से है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। अतः काल के द्वारा उसका विनाश न होने से वह अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा जो सृष्टि के आदि काल में ऋषि हुए, उनके भी वह गुरु है, और वर्तमान में और आगे भी सबका गुरु रहेगा। तो मित्रों, हमें जो भी देहधारी ज्ञानी वेदज्ञ योगी जितेंद्रियता को प्राप्त गुरु इस धरती पर मिल जाता है, उससे साधना सीखकर, उससे सिद्धांत को समझकर, उस परम गुरु ईश्वर के साथ जुड़ जाने के लिए समय रहते ही प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा बहुत बड़ी भूल होगी, बाद में हमें भी यही कह करके पछताना होगा कि मेरे हाथ में तो लालटेन है ही नहीं। ओम शांति ही शांति ही शांति।